हेलो, वेलकम टू द व्लॉग और हैप्पी संडे डे। और मैं बोया बाज़ार आया हूँ पे, जो है मैंने कैमरा के लिए कुछ एक्सेसरीज़ खरीदे, और जैसे कि मैं अभी आपको वीडियो में दिखाऊंगा क्या क्या मैंने ख़रीदा है। अभी मैं माइक के साथ वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आपको वॉइस क्लैरिटी में डिफरेंस दिख रहा होगा। तो बताइए आपको कैसा लगा इन ऐसे एडिट कर लेंगे। मैंने लिया है ये वाला ट्राईपॉड, फ्लेक्सिबल ट्राईपॉड, जैसे कि आपको ये है फ्लेक्सिबल। और ये बॉलेट, इसका बेस्ट पार्ट ये है कि ये बॉलेट के साथ आता है और इसको कहीं भी ऐसे माउंट कर सकते हैं, ठीक है। और मैंने लिया है बोया का BY-MM1 माइक, और ये मुझे ऑनलाइन 1700 का मिल रहा था और मैंने यहाँ से लिया है सिर्फ 1500 में। और ये डेड कैट के साथ आता है, और मैं बॉक्स में बताता हूँ क्या क्या मिलता है। आजा आजा, ठीक है। और मैं बॉक्स के साथ बताता हूँ क्या क्या आता है। ये सिलिका जेल, और ये जो माइक है ये आता है डेड कैट के साथ। एक्चुअली ये विंड को ब्रेक करता है, ठीक है। अब मैं माइक बताता हूँ, ये माइक है जैसे कि आप देख सकते हैं, पूरा मेटल का बना है और काफ़ी स्ट्रांग लग रहा है और काफ़ी वेट भी है इसमें। और इसको डायरेक्टली ऐसे इसमें लगा सकते हैं और इसको कैमरा में माउंट कर सकते हैं। और माउंट के लिए ये जो दिया है इसको हम माउंट के ऊपर लगा सकते हैं। ये एक्चुअली शॉक एब्जॉर्बर है, माइक को हिलने से या विंड से साउंड प्रोड्यूस नहीं करता। और इसके साथ हमें एक कनेक्टर मिलता है, ये एक्चुअली कैमरा का है। और ये जो है जैसे कि आप देख सकते हैं ये है स्मार्टफोन का, ठीक है। और इसके साथ एक अच्छे क्वालिटी का बैग भी आता है जिसमें आप अपना माइक जो है रख सकते हैं। ये अपना ट्राइपॉड के ऊपर लगेगा और इसको बोलते हैं हॉट शू माउंट। और इसमें अपना जो है माइक, इसमें लगने के बाद ये अपना माइक इसमें स्लाइड थ्रू होगा और इस तरीके से अपना ब्लॉकिंग सेटअप बन जाएगा जैसे कि आप देख सकते हैं। और ये पूरा सेटअप मुझे लगा है सिर्फ 2100 में। तो मैं काफ़ी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में भी डालूँगा, मैंने कहाँ से ख़रीदा है और क्या क्या लगाया है मैंने, ठीक है। और यहाँ पे मैं फ्रेंड के साथ आया हूँ और मेरी फ्रेंड ने काफ़ी हेल्प किया है यहाँ पर पहुँचने में। जैसे कि आपको पता है अनलॉक 3.0 में सब बाइक्स में ड्यूअल सीट अलाउड हो गया है, तो हम लोगों ने सोचा चलो अभी फाइनली अपन ले ही लेते हैं जो भी ज़रूरत की चीज़ें। अभी मिलते हैं हम सीधा नेक्स्ट स्टॉप पे। हेलो, और मैं अभी पहुंच गया हूँ बाबा फालूदा, और ये मेरा फर्स्ट टाइम है। और जैसे कि आज ओपन भी हो गया है, काफ़ी भीड़ भी है, और ये मेरा फर्स्ट टाइम है, तो मैं खा के बताता हूँ कि कैसा लगा। और मैंने जो ऑर्डर किया है बाबा का स्पेशल फालूदा, और जैसे कि आप देख सकते हैं कम्प्लीटली सील्ड पैक, ठीक है। और दूसरा स्पून्स वगैरह भी दिया है इन्होंने। अभी मैं खा के बताता हूँ कि कैसा लगा। और ये मेरा फ्रेंड है, आज दोनों हम लोग एक ही में शेयर करेंगे। ब्लूपर्स, क्या होता है ब्लूपर्स? इसका कंसिस्टेंसी देखो, यहाँ पे क्रीम भी, आइसक्रीम भी डाला हुआ है। और मैं बताता हूँ अभी कैसा लगा। बारिश में भीगते हुए खा रहे हैं।
अलग ही मजा है। एक बहुत बनना पड़ता है, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्शन दूँ, जैसे कि अभी बता दें हम। तो आप भी ट्राई करो। और ये भी हम लोग खा रहे हैं बाबा फालूदा, ये मैं फर्स्ट टाइम ट्राई किया हूँ और मुझे इसमें केसर का एकदम डोमिनेटिंग फ्लेवर लग रहा है और काफ़ी अच्छा है और स्वीट भी, एकदम स्वीट भी नहीं है और एकदम माइल्ड भी नहीं है, तो एकदम बेस्ट है। आप भी इस एरिया में आ रहे हो तो ज़रूर ट्राई करना। और वो कहीं भी मतलब टेक अवे भी दे रहे हैं, लेकिन वहाँ पे कोई फैसिलिटीज़ नहीं है कि खाने वगैरह के लिए, तो आप यहाँ पे आ रहे हो तो ज़रूर बाबा फालूदा ट्राई करना। हाँ, ये हम लोगों ने इसलिए ट्राई किया क्योंकि ये बाबा स्पेशल फालूदा था और ये ही मोस्ट ऑफ द लोगों ने मुझे रिकमेंड किया था, तो मैं उसके हिसाब से।